दोस्तों कर्ज में डूबे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और फ्यूचर एंटरप्राइजेस को डेप्ट रिकास्ट प्लान को केवी कामत कमेटी से मंजूरी मिल गई है। केवी कामत कमेटी ने फ्यूचर ग्रुप को बड़ी राहत देते हुए उसके डेट रिकास्ट प्लान को मंजूर कर लिया है। इस प्लान के तहत फ्यूचर ग्रुप की दोनों कंपनियों को अपना कर्ज चुकाने के लिए यानी लोन रीपेमेंट के लिए 2 साल का और समय मिल जाएगा। साथ ही कंपनी पर बकाया इंटरेस्ट को फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और कंपनी पर लगे जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि फ्यूचर रिटेल के लेंडर्स ने कंपनी को मौजूदा लोन रीकास्ट प्लान को पहले ही मंजूरी दे दी थी। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए आरबीआई द्वारा कमिटेड केवी कामत कमेटी के पास भेजा गया था और आज इसे आरबीआई द्वारा कमिटेड केवी कामत कमेटी से अप्रूवल मिल गया है। इस प्लान के मुताबिक किशोर बियानी की अगुवाई वाली कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड द्वारा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए जुटाए गए कर्ज भी मौजूदा कर्ज का हिस्सा होंगे और दोस्तों इसे भी रिकास्ट किया जाएगा। केयर रेटिंग के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी पर बैंकों का 6,278 करोड़ रुपए का बकाया है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस रिटेल वेंचर ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार को खरीदने के लिए एक सौदा किया था, लेकिन ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने इसे अदालत में चुनौती दी है और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट फ्यूचर ग्रुप को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।